नहीं, हम किसी एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जमात की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत जलील होने का मामला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब गठबंधन हुआ, उसके बाद भाजपा के साथ नीतीश कुमार के जाने की चर्चा हुई। पिछले दिनों जो मंत्री वाला विवाद हुआ, बयानबाजी हुई, नीतीश के खिलाफ बयानबाजी हुई, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ जाने पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। सवाल यह था कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मरते दम तक भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये नारा एक बार फिर से नीतीश कुमार ने दोबारा दिया है और इसको लेकर अशोक चौधरी ने, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर क्या मामला है। क्या सच में उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं? इन तमाम चीजों का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा ने किया है और स्पष्ट किया है कि उनकी रणनीति क्या होगी, वो किस तरफ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार के विरुद्ध, और साथ ही भाजपा के साथ जाने वाली जो बात है वो कहां तक सही है। इस बयान को पर मेरी टिप्पणी बहुत आवश्यक नहीं, इसलिए कि मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं इस बयान का। राजद के साथ जाना जदयू के लिए घातक है। अरे इस पर तो कई बार बोल चुके हैं सर, जदयू के अशोक चौधरी ने कहा है कि आप चलिए। मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि लवकुश समीकरण में जो कुशवाहा समुदाय था उन या समाज था, उसको उनका अधिकार नहीं मिला और उसी की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम किसी एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जमात की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जमात जो एक समय इतना परेशान था और उसी को परेशानी से बाहर निकालने के लिए समता पार्टी बनी थी, अभियान चला था, और वैसे लोग आज भी परेशानी महसूस कर रहे हैं कि क्या होगा, तो वैसे तमाम लोगों की चिंता हम व्यक्त कर रहे हैं, सिर्फ अपने या किसी एक जात के बारे में नहीं बोल रहे। उमेश कुशवाहा ने आपको इल्जाम लगाया कि 50,000 सदस्य बनाने के लिए आप सीट ले गए, तो उनका इल्जाम मांग रहे हैं। पार्टी में इतना जलील होने के बावजूद इंतजार कर रहे हैं? अरे भैया, उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत जलील होने का मामला नहीं है, लोगों के हितों की रक्षा हो तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी को अपमान झेलना पड़ता है। गांधी जी को अपमान झेलना पड़ा, उनका सामान फेंक दिया गया ट्रेन से, तो व्यक्तिगत। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।